मोर पावरफुल ईच डे, तो इसकी कम्युनिटी ही हो जाए, आपको कहीं से भी हेल्प मिल सकती है एक्सप्रेस की. नाउ व्हाट इज एक्सप्रेस, किस काम के लिए? सो इफ आई गो टू, इफ आई जस्ट होवर ओवर द गाइड एंड देयर इज अ लिस्ट, इट्स लाइक राउटिंग, राइटिंग मिडलवेयर वगैरह वगैरह. तो इससे स्टार्ट करते हैं, राउटिंग से. कोई बताए राउटिंग से क्या समझ आ रहा है? एड्रेस जो आते हैं ना यूआरएल में चेंजिंग वो. या तो एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, स्टैक ओवरफ्लो के देखते हैं. तो ये मैंने शायद लास्ट सेशन में भी यही एग्जांपल दी थी. तो इफ यू यूजिंग, अगर बैकएंड नहीं है, एक एक्सप्रेस नहीं है, तो हाउ डू यू रेंडर योर फाइल्स? बेसिकली अगर नेटलिफाई पे मैंने जैसे उसको डिप्लॉय किया हुआ था, तो इफ आई जस्ट राइट स्लैश होम डॉट एच टी एम एल, सो इट विल रेंडर होम डॉट एच टी एम एल. एंड इफ आई रेंडर लाइक इफ आई से स्लैश कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, तो कॉन्टेक्ट आ जाएगा. बट वट इफ मैं अपने पसंद का यू आर एल चाह रहा हूँ, जो फाइल नेम है उसके हिसाब से मैं नहीं चाह रहा, अपने पसंद का यू आर एल चाह रहा हूँ, कि ताकि थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो मिले यू आर एल से. सो लाइक इफ आई गो टू अबाउट एंड देन ये यू आर एल चेंज हो गया लाइक कंपनी, सो इवन इफ आई नाउ इफ आई नेविगेट टू लीडरशिप फ्रॉम अबाउट, तो इट्स लाइक अ ब्रेड क्रम टाइप ऑफ थिंग, कि कंपनी से लीडरशिप पे गया हूँ मैं, तो थोड़ी डिस्क्रिप्शन मिलती है हमें कि किस यू आर एल पे क्या पेज रेंडर होगा. दिस इज वॉट राउटिंग इज एंड दिस इज वॉट एक्सप्रेस प्रोवाइड्स. तो दिस इज मतलब जो एक्सप्रेस का जो मेन काम है ना वो तो ये है. नाउ मूविंग ऑन, सो राइटिंग मिडलवेयर, मिडलवेयर की कोई नॉलेज है किसी को, मिडलवेयर क्या होते हैं? अच्छा तो मिडलवेयर्स का सीन ये है कि फर्स्ट करो, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ मिडलवेयर्स की. मिडलवेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर जस्ट कोड्स विच रन बिफोर द पेज इज रेंडर्ड. तो जैसे अगर कोई पेज कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल जो भी है, कॉन्टेक्ट का पेज है, वो रेंडर हो रहा है, तो उसको शो करने से पहले, स्क्रीन में शो करने से पहले क्या कोड रन होगा, दैट इज मिडलवेयर. तो इसकी जो बेसिक एग्जाम्पल जो सबको समझ आ जाएगी वो ये है कि हर ई कॉमर्स का कोई स्टोर होगा, अगर कोई ई कॉमर्स का स्टोर है और अच्छा बना हुआ है, तो उस पर एक फंक्शनलिटी होती है, एक पेज होता है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पे हर कोई, हर किसी को एक्सेस नहीं मिल सकता, ओनली एडमिन कैन गो देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी लॉग्ड इन, एंड इफ यू आर लॉग्ड इन यू हैव टू हैव द करेक्ट, आप लोग एडमिन होने चाहिए, यू हैव टू हैव द एक्सेस फॉर द डैशबोर्ड. सो ये कौन क्या चेक करता है, ये कौन चेक करेगा कि पेज को रेंडर करने से पहले ये सारी जो कंडीशन है वो चेक कौन करेगा? दैट इज मिडलवेयर्स. ये कोड रन होगा और उसके बाद इफ द यूजर इज एन एडमिन, वो मिडलवेयर चेक करेगा, देन द पेज विल रेंडर. अगर नहीं होगा वो एडमिन, देन व्हाट विल बी रेंडर्ड, क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी हैंडल्ड बाय द मिडलवेयर. तो दोज आर मिडलवेयर्स जो एक्सप्रेस, हम लोग मिडलवेयर जब क्रिएट करते हैं, हम लोग करेंगे आगे जाके, तो मिडलवेयर्स को किस तरह रन करना है वो भी एक्सप्रेस करता है. मोर ओवर यूजिंग टेम्पलेट इंजिन्स. नाउ टेम्पलेट इंजिन्स का तो सबको पता ही होगा, आई होप सो. टेम्पलेट इंजिन्स क्या होता है, कोई बता दे वॉलंटियर यानी? ओके सो इफ यू डोंट नो, मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ. सो दिस इज वन. इफ आई गो टू लाइक, इफ आई ब्राउज स्टोर here and this is, wait for it, render. If I go down, if I go to Panadol, okay, so this is a page that shows Panadol. ठीक है, लेकिन फर्ज करो मुझे, मेरे पास obviously e-commerce में और भी products हैं, right? तो हर product के लिए क्या मैं एक separate page बनाऊंगा? तो this is for Panadol, तो शायद डिस्प्रीन के लिए भी मैं क्या अलग बनाऊंगा? मेरे पास और भी प्रोडक्ट होंगे, तो क्या हर प्रोडक्ट की मैं एक प्रोडक्ट आईडी चेंज कर देंगे हमेशा यूआरएल में? तो होगा ये कि टेम्पलेट इंजिन्स का काम ये है कि यू क्रिएट अ टेम्पलेट स्केलेटन, ठीक है.
सो हियर इट विल बी लाइक जो टेम्पलेट होगा वो होगा कि प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे हो, इट डजंट मैटर व्हाट इमेज इट इज, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे हो, प्राइस यहाँ पे हो, इन स्टॉक अवेलेबिलिटी वगैरह यहाँ पे हो, एड टू कार्ड यहाँ पे हो, रिव्यूज इधर हो, सो दिस विल बी अ टेम्पलेट, ठीक है. उसके बाद डेटाबेस से जब डेटा आएगा तो उस टेम्पलेट पे वो डेटा सेट हो जाएगा. तो उसको सेट करने के लिए जो इंजन्स, जो व्यू इंजन्स हम लोग यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड टेम्पलेटिंग इंजन्स. तो हम लोग एक यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट EJS. सो विच हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे लाइक आई गेस नेक्स्ट सेशन में. या तो उन टेम्पलेट इंजन्स को रेंडर करवाना भी एक्सप्रेस का काम है यूजिंग टेम्पलेट इंजन्स. नाउ मोर ओवर एरर हैंडलिंग, क्या एरर आता है तो क्या करना है उस पर, कौन सा एरर आता है तो क्या करना है उस पर, ये भी एक्सप्रेस का काम है कि अगर ये फर्ज करो ये एरर आ गया कि आपका आपने लॉग इन करने की कोशिश की और यूजर नेम और पासवर्ड आपने आपने गलत डाला है, तो दिस इज नॉट एन एरर वैसे, लेकिन फर्ज करो सर्वर डाउन हो गया या कुछ हो गया, दैट इज एक्चुअली एन एरर. तो तब क्या करना है, तब भी हम लोग एक्सप्रेस का फायदा उठाएंगे, कुछ ऐसी कंडीशन बनाएंगे और इट विल नो वट टू डू वेन एन एरर अकर्स. मोर ओवर डीबगिंग के लिए भी है, लाइक डेटाबेस इंटीग्रेशन के लिए भी है, तो हम लोग करेंगे most of the things हम लोग करेंगे. एक और चीज है जो एक्सप्रेस करता है विच इज नॉट मेंशन्ड हियर एंड दैट इज कनेक्टिंग टू योर सर्वर. नाउ Node.js हमें एक सर्वर बना के दे रहा है, ओके. अब उस सर्वर को किस तरह, उस सर्वर को एक्सेस किस तरह करेंगे, डू यू गाइस नो अबाउट पोर्ट्स, कोर्स, CORS, ports, PORTS, ports. हाँ, ports, networking ports होते हैं. Yeah. So, in order to access the server, they are like, आपको किसी port के थ्रू जाना होगा उसपे, ठीक है. So, obviously, like, कुछ reserved ports होती है उसमें, वो भी अभी मैं इसी session में बताऊंगा. किस port से जाके आपकी website access होगी वो भी express करता है, ठीक है. So, यहाँ तक clear है? I guess we can move on to create our first express app. Yahan tak clear? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, VS Code खोल लो. अच्छा, एक और मतलब एक और चीज शो करनी है. अगर हम express ना यूज करें ना एंड जस्ट यूज Node.js और कुछ रैंडम पैकेजेस, तो हमारा कोड कुछ ऐसा होगा. सबको नजर आ रहा है? Yes. थोड़ा zooming कर देंगे. Okay. सही है, मतलब इसको समझना नहीं है लेकिन बस देख लो कि क्या हो रहा है. नाउ इस कोड में जो मसला मुझे नजर आ रहा है ना वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीडेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो इट्स लाइक अगर किसी ने ये किया भी है तो रट्टा मारा हुआ होगा, अच्छा भाई ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये थोड़ी चेंजेस कर देते हैं, हाँ ठीक है मेरा रेंडर हो जाएगा पेज. अब नीचे आओ तो यहाँ पे ऐसे मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया हुआ है, रिक्वेस्ट को हैंडल किया हुआ है, कि अच्छा भाई अगर ये स्लैश हो तो ये index.html रेंडर हो जाए, लॉगिन हो तो login.html हो जाए, लेकिन इस सारे पेजेस को उसने एक ही जगह पे रखा हुआ है, जो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है हर पेज के, किसी इंडिविजुअल पेज के ऊपर. तो ये मसले आ रहे हैं मेरे पास. और अबव ऑल हमारे पास एक बिल्कुल ही रैंडम से हमें पैकेजेस इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं जिनकी कम्युनिटी ह्यूज भी नहीं है. तो URL, FS, तो ये सारे ये हमें इम्पोर्ट करके हमने राउट बनाया. एक्सप्रेस क्या करता है, ये चीजें जो है एलिमिनेट कर देता है. हमें एक उसी का स्ट्रक्चर, हम एक्सप्रेस का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो उस पर काफी रीडेबिलिटी भी आ जाएगी और काफी आसान काम भी हो जाएगा. सो जस्ट ओपन योर VS कोड्स एंड जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड फर्स्ट एक्सप्रेस ऐप, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. आई एम जस्ट गोना गिव यू गाइस अ मिनट और टू सो यू गाइस कैन गेट रेडी. और एक विंडो पे ना एक app.js की फाइल बना के उसको खोल दो. एंड दिस इज आवर एजेंडा. प्लीज गाइस टेक अ मिनट और टू. दैट्स इट. अच्छा, फोल्डर तो क्रिएट हो गया. मैं फोल्डर के अंदर जाते रहते थे, cd.backspace से जाते थे ना. cd और फोल्डर का नाम, cd स्पेस फोल्डर का नाम. अगर फोल्डर के नाम में स्पेस है तो एरर आ जाएगा. तो उसका हल ये है कि फोल्डर का जो नाम है ना उसके फर्स्ट फ्यू लेटर लिखो और टैब दबा दो.
ओके सब रेडी है या कोई रह गया? टच से मैंने फोल्डर तो बना लिया, इसमें फोल्डर खोल लिया, सीडी स्पेस फोल्डर 2 के नाम से बनाया, खोल लिया फोल्डर टच से बनाया जी, एमकेडीआईआर से बनता है। ओ ओ सॉरी सर। ओके सो आई होप मोस्ट ऑफ यू आर रेडी, कोई अगर रेडी नहीं है तो अभी बता दे वरना पीछे रह जाओगे फिर मसला हो जाएगा। और अगर कोई कोड लॉन्ग नहीं कर रहा ना तो ऑब्वियसली मसला होगा। ओके सो मैं इस डायरेक्टरी में ओपनिंग फर्स्ट एक्सप्रेस ऐप में एंड आई क्रिएटेड दिस फाइल app.js। नाउ एक काम करते हैं, एक HTML की फाइल ही बना लेते हैं व्हाइल वी हियर। सो लेट्स टच एंड कॉल index.html। ओके सो वी हैव index.html, इसको इसके अंदर कोई भी HTML डाल लो, हेलो वर्ल्ड वाला कुछ भी कर लो, ये कर लेते हैं टाइटल चेंज करके एक्सप्रेस ऐप एंड क्रिएट एन H1 कॉल express.js, यू आर भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके सो अभी मुझे ये HTML खोलनी नहीं है, तो सबसे HTML की फाइल बन गई एक बिल्कुल ही रैंडम सी कुछ भी बना रहे। ओके सो आई एम जस्ट गोना वेट, टच इंडेक्स HTML तो बन गए लेकिन आपकी खुद कैसे खुल गई? खुद कैसे खुल गई? कोड लिखते हैं ना, कोड स्पेस और फिर उस फाइल का नेम। देखो अगर तुम ये करोगे ना कोड एंड देन index.html ये करोगे तो उसी विंडो पे ओपन हो जाएगी। ओके सो बता देना जब सब क्या हो जाए, HTML बन जाए। ये HTML फाइल क्रिएट करने के बाद उसमें क्या करना है? कुछ भी रैंडम कुछ डाल दो यार, एक हेडर डाल दो, अपना नाम लिख दो उसमें, बस हमें शो करवानी है, रेंडर करवानी है, कुछ भी लिख दो नहीं है अभी। राइट राइट राइट। Okay, so can I move on? Yes. Okay. Yes. Okay. अच्छा तो अभी हमारा काम यह है कि install and save express.js। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है सबसे, हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था package.json के बारे में, नोड मॉड्यूल्स के बारे में, मुझे ये बताओ package.json का फायदा क्या? उसमें जो भी हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो सारी लिस्ट बन जाती है। सही है, और क्या फायदा है इससे? फायदा क्या होगा? वो जो एरर होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, वो जो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहे होते हैं। इससे फायदा ये है जब भी हमें कोई ऐप रन करनी होगी तो हमें बस खाली उसको npm इंस्टॉल करके सारी वो इंस्टॉल हो जाएगी और वो ऐप रन हो जाएगी। एग्जैक्टली ये फायदा है इसका। सो अगर किसी को किसी ने देखा हो, अगर हम लोग कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करें, एक्सप्रेस करें और भी बहुत बड़े बड़े पैकेजेस इंस्टॉल करें, हमारे पास एक फोल्डर आता है नोड मॉड्यूल्स का और नोड मॉड्यूल्स ह्यूज होता है, ठीक है। सो इफ यू वर्किंग एट अ कंपनी या किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, ठीक है, यू वर्किंग ऑन अ सेम ऐप और गिटहब पे वो ऐप अपलोडेड है, गिटहब पे व्हेन यू अपलोड इट, नोड मॉड्यूल पे जो फोल्डर है ना कभी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि वो इतना ह्यूज होता है वो फोल्डर कि गिटहब पे उसकी उसकी जो ना स्टोरेज होती नहीं है, उस पर इतनी स्टोरेज नहीं होती उसकी। सो व्हाट यू डू इज उस पर पैकेट और जेसन जाता है, ओके सो व्हाट यू डू इज पैकेज ऑफ जेसन जाता है गिटहब पे और अगर किसी और को वो तुम्हारा जो कोड है वो क्लोन करना हो या कुछ करना हो, सो वो पैकेज ऑफ जेसन को देख के उस पर जितनी भी डिपेंडेंसीज है ना वो npm इंस्टॉल करेगा तो सारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, नोड मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। सो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट करो मेरा एक कोड है, मैंने गिटहब पे अपलोड किया हुआ है, उस पर नोड मॉड्यूल्स नहीं है, उसकी क्या डिपेंडेंसीज है, वो किस क्या पैकेजेस रन करने उसको चलाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन होगी पैकेज और जेसन में। तो जब तुम दूसरा बंदा जो होगा मेरे ग्रुप में वो जब क्लोन करना चाहेगा उस कोड को, देन
जो नोड जेएस है वो सिर्फ पैकेज और जेसन को देखेगा, npm इंस्टॉल करके वो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा। कोई सवाल? नो सर। सही है, तो पता चल गया लोगों को पैकेज और जेसन का फायदा क्या। ठीक है, वो मतलब अपने पास एक तरीके से स्टोर नहीं, अपने सर्वर में स्टोर कर लेगा, यही है एक तरीके से। मतलब जेसन की जो फाइल है वो उसमें वो स्टोर कर लेगा, मतलब अपने पास नोड जेएस अपने पास पैकेज वगैरह रन करता है तो हमें मतलब एक तरीके से वेबसाइट हेल्प हो जाती है, यही है ना। मतलब एक तरीके से ये है कि नोड जेएस को पता चल जाएगा कि कौन से पैकेजेस इस ऐप को रन करने के डिपेंडेंट है, मतलब कि कौन कौन से पैकेजेस इसके डाउन इंस्टॉल करने हैं, तो नोड जेएस को पता चल जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सो ये बताने का मकसद ये था के नाउ वी आर क्रिएटिंग अ पैकेज ऑफ जेसन, किस तरह करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? npm ओके, सो फर्स्ट है npm init, और यहाँ पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं जल्दी जल्दी फिल करने की कोशिश करूंगा। ओके, दिस इज वेट, क्या मसला आ रहा है? ओके, पैकेज नेम इज फर्स्ट एक्सप्रेस ऐप, ओके, वर्जन 1, डिस्क्रिप्शन स्पीक द फर्स्ट एक्सप्रेस ऐप, ओके, एंट्री पॉइंट app.js, ओके, टेस्ट कमांड, ओके, गिट रिपोजिटरी आई डोंट हैव इट, कीवर्ड्स नो, ऑथर माय नेम एंड ओके, सो नाउ आई हैव package.json राइट हियर। ठीक है, एंट्री पॉइंट का से क्या मतलब है, कोई बताए? एंट्री पॉइंट जो हमने लिखा था app.js, उससे क्या, उससे क्या पता चलता है? इस फाइल से आपकी ऐप रन होगी। हाँ, मतलब अगर तुम डिप्लॉय करो कहीं पे, लाइक हेरोकू पे करो, कहीं पे भी करो, तो हेरोकू वगैरह को पता हो कि भाई सबसे पहले कौन सी ऐप पे जा रहा है, तो दिस इज लाइक एन एंट्री पॉइंट। तो हम बाद में जाके जब थोड़े आगे जाएंगे ना इस वर्कशॉप पे तो पता चल जाएगा। ओके, नाउ वी आर डन, नाउ स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, इंस्टॉल एंड सेव एक्सप्रेस जेएस। तो ये भी एक पॉइंट है, एंड सेव, सो वी हैव टू डू इट। जरूरत तो नहीं होती ना, तो खुद ही हो जाता है, खाली npm। हाँ, खुद हो जाता है, लेकिन मुझे एक और कमांड मुझे बतानी है, तो इस वजह से मुझे उसकी जरूरत है। सो जस्ट टाइप इन मेरे साथ, चलो ऐसा ऐसा लिख रहा हूँ, npm एक्सप्रेस डैश डैश सेव डैश एग्जैक्ट, ठीक है, एंटर दबा दूं। यस, ओके, सो मैंने एंटर दबा दिया, इसको इनटू इंस्टॉल। अब मैं बता देता हूँ ये डेटा सेव एग्जैक्ट कर क्या रहा है। ओके, सो नाउ आई हैव एक और फाइल आ गई पैकेज log.json। अब मैं इस पे जाऊं तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज पे आ गया एक्सप्रेस एंड वर्जन है 4.17.1। नाउ सेव एग्जैक्ट क्या करता है, जो वर्जन अभी लेटेस्ट चल रहा है ना, जिस वर्जन पे मैं ऐप क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही वर्जन इंस्टॉल होगा जब भी कोई भी ये मेरी ऐप अपने पास रन करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं सेव डेटा सेव एग्जैक्ट ना करूँ ना, तो यहाँ पे एक सिंबल आएगा दिस, ठीक है, एंड दिस मीन्स कि फर्ज करो ये मैंने ऐप डिप्लॉय की एट 2020, ठीक है, एंड यू आर ओनिंग द ऐप एट इन 2021 में एक्सप्रेस का जो वर्जन हो गया वो 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये होगा ना, ये सिंबल होगा, तो इट मींस एनी वर्जन विच इज दिस और हायर उसको इंस्टॉल कर लो, लेकिन एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्टली यही वर्जन इंस्टॉल होगा और कोई नहीं होगा। कभी भी इसको तुम क्लोन करने की कोशिश करो, अपने पास यही वर्जन इंस्टॉल होगा। इससे फायदा क्या है कोई बताएगा? इससे फायदा ये कि अगर कोई 2020 आगे में कोई नई अपडेट आती है, इससे आपका ऐप फंक्शनल नहीं होती, लेकिन इससे ये होगा कि यही वाला एक्सप्रेस का वर्जन इंस्टॉल होगा तो कोई एरर नहीं आएगा। एग्जैक्टली, तो यही होगा कि अगर फर्ज करो एक्सप्रेस वर्जन 5 में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी थी जो डेप्रिकेट हो गई जो एक्सप्रेस 4 में थी जब मैंने कोड किया था, तो एक्सप्रेस 5 में जब वो बंदा इंस्टॉल करेगा अपने पास, तो उसके बाद एरर आ जाएंगे कि एक्सप्रेस 4 की ये फंक्शनलिटी थी लेकिन एक्सप्रेस 5 में वो नहीं है, तो एरर आ गया। ठीक है, कोई सवाल? तो
ओके सो सबका एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया अच्छा नाउ स्टेप टू रिक्वायर एक्सप्रेस जीएस इससे पहले एक और भी काम है मैं काफी सारे एक साथ काम करवाना चाह रहा हूँ गो टू योर एक्सटेंशन राइट हियर ये जो आपका वीएस कोड एक्सटेंशन है ना दिख रहा है सबको गो हियर एंड टाइप इन नोड जीएस बताना जब व्हेन यू आर देयर ओके सब यहाँ पे आ गए यस नो बता दो यस 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 अब क्या करना है हाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया ना अब यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाओ इधर एक्सटेंशन वीएस कोड के एंड टाइप इन नोड जीएस ऑन द सर्च बार देन यू गो डाउन हियर एक सेकेंड विजिट This one, Node.js modules IntelliSense, ठीक है ये वाली सबको मिल गया ये नो एक सेकंड IntelliSense यस मिल गया इसको इंस्टॉल कर लो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा इधर उसको इंस्टॉल कर लो ये करता ही है कि इफ यू हैव npm के पैकेजेस है ना तो उसका ऑटो कंप्लीट कर लेता है सो व्हेन यू रिक्वायरिंग इट जैसे अगर एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहे हो तो जस्ट इफ आई टाइप इन ex एंड प्रेस टैब तो वो ऑटो कंप्लीट से ना एक्सप्रेस पूरा हो जाएगा सो इट्स अ गुड टूल तो इसको कर लो एंड वो जल्दी हो जाता है तो एंड द नेक्स्ट वन इज दिस Node.js एक्सटेंशन पैक इसको कर लो इंस्टॉल कर लिया इसको भी कर लिया सही ठीक है सब यहाँ तक पहुँच गए कोई पीछे तो नहीं रह गया यस पे आ रहा है ना एक्सटेंशन पैक जब सर्च कर रहे हैं तो हाँ एक Node.js एक्सटेंशन पैक को करना है एंड दिस वन Node.js मॉड्यूल इंटेलिजेंस इसको भी करना है सही है यही नाम है इसका एंड द अदर इज Node.js एक्सटेंशन पैक दिस वन सो ये काफी अच्छे टूल्स हैं ऑटो कम्प्लीट वगैरह करने के लिए बस इसको इंस्टॉल कर लो एंड दैट इज इट गो बैक टू योर फाइल्स यहाँ पे कोई पीछे रह गया अभी तक या सब है साथ साथ है You don't have the version showing up. The dependencies are here. Yeah. एक second. Yeah. Yeah, so I'm seeing it till description main dependencies, not the express term. अच्छा express को install कर लिया था? Yes. Install कर लिया था. I think you have to refresh the files. उसपे आ जाएगा. If you close it and open it again, I think फिर आ जाएगा. ये लिखा था Dagger save exact. Yeah. ओके सो लेकिन फाइल क्रिएट हुई है तो एग्जैक्ट सेम फाइल होनी चाहिए पैकेज ऑफ जेसन जो है ना पहले फाइल क्रिएट होती है npm edit करके होती है उसके बाद व्हेन यू इंस्टॉल एक्सप्रेस वगैरह फिर पैकेज log json आता है
उसके बाद ही आती है सारी ये डिपेंडेंसी. किस चीज की होती है ये जो ब्लू में आती होती है बॉन्ड? क्या चीज? ये जो ब्लू में जब मैंने बनाई थी इंस्टॉल की थी एक्सप्रेस तो वॉन वॉन आ रहा है ब्लू कलर येलो कलर में. एक आ रहा होगा ना, एक वार्निंग आ रही होगी. एक नहीं आ रही, छह आ रही है. सो नो रिपोजिटरी फील्ड एंड नो रीडमी डेटा एंड नो लाइसेंस फील्ड. मेरी भी यही है, छह आ रही है. उसका मसला नहीं है, देखो फाइल और डायरेक्टरी और वार्निंग का मसला नहीं. देखो अगर डिस्क्रिप्शन खाली है तो वो उसकी वार्निंग देगा, अगर लाइसेंस खाली है तो उसकी वार्निंग देगा, ऑथर खाली है तो उसकी वार्निंग देगा. इट्स लाइक मतलब वार्निंग से ही एरर नहीं है, इसके बगैर भी तुम्हारा कोड चल जाएगा. ठीक है, ओके ओके. सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन नाउ. अगर किसी को पैकेज और जेसन में अभी तक इशू आ रहा है तो एंड में रुक जाना, वो हल कर लेंगे. अच्छा नाउ लेट्स बिगिन. एक्सप्रेस जेएस को किस तरह इम्पोर्ट करूँ बताओ. var require var or variable name is equals to require and then express okay yes and remember variable jo hai aapko use nahi karta instead use let and let's just call it express equals to ab jo humne jo tools abhi install kiya na uska fayda batata hu ye require it main ye kya I just press e and just tap express aa gaya mere paas theek hai so it's like छोटी बड़ी चीजें जो है ना काफी काम आती है. हमें कौन सी यूज करना चाहिए क्योंकि एक्सप्रेस तो एक ही चीज हमेशा सेम ही रहेगा ना. हां कांस्टेंट कांस्टेंट भी इज बेटर टू यूज कांस्टेंट. थैंक यू फॉर दैट. कांस्टेंट कर लो. अच्छा सो नेक्स्ट इज कांस्टेंट. अब मुझे फॉलो करना ठीक है. दिस इज न्यू थिंग कांस्टेंट. इसको मैं एक नेम दे रहा हूं एक वेरिएबल को इक्वल्स टू एक्सप्रेस एंड देन ब्रैकेट्स. ओके ये मुझे कहाँ से मिला? सब लोग यहाँ तक कर लिया ये दो लाइनें लिख ली? यस. ओके तो ये मुझे कहाँ से पता चला कि मुझे ये फॉलो करना है? एक्सप्रेस से पता चला. इफ आई गो टू गेटिंग स्टार्टेड लाइक गो टू हेलो वर्ल्ड तो इससे इसके भाई कांस्टेंट एक्सप्रेस रिक्वायर करो एंड देन कांस्टेंट ऐप एक्सप्रेस करो एंड दिस वन मोर थिंग पोर्ट वो भी बताता हूँ अभी थोड़ा वेट कर लो उसके बाद बताओ. So step one हो गया, step two हो गया. Now we have to create basic groups. तो पहला हमारा route है like dog, this is wolf, this is cat, this is meow meow, and then DSE students and they are silent. And then express which render our HTML file, which is this. And we have this star, जो मैं अभी बताऊँगा क्या है. And lastly जब ये सब हो जाएगा, we have to connect with our server. Go back to your express folder this site. अगर नहीं है तो खैर कोई मसला नहीं है. नहीं खोला हुआ तो मैं बता देता हूँ. तो basic syntax ये है इसका. You have this app right here. ये जो variable create किया ना. We have to use this app to get request. ठीक है. तो app dot get. This get is a मतलब एक request है. काफी मतलब syntax है इसका. App dot get and then the first parameter is कि उस URL क्या फॉर्म होगा कि URL पे क्या आना चाहिए. सो दिस इज स्लैश ओनली स्लैश एंड द सेकंड पैरामीटर इज अ कॉल बैक फंक्शन. ठीक है सो लेट्स डू दैट. सो दिस इज अ गेट रिक्वेस्ट. गेट रिक्वेस्ट क्या होती है किसी को पता है? HTTPS की डिफरेंट रिक्वेस्ट की टाइप्स होती है ना गेट पुट डिलीट और इस तरह की. ठीक है तो गेट रिक्वेस्ट अगर मैं get request लाइक अगर मुझे क्या जब आप डेटाबेस से कुछ चीजें मांगते हो तो आप get यूज करते हो? नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम डेटाबेस बट फ्रॉम सर्वर से कुछ भी चाहिए होता है तो फ्रॉम द सर्वर. तो इट्स लाइक अगर मुझे मैं किसी साइट पे गया मैं उसके अबाउट के यूआरएल पे गया सो आई एम एक्चुअली रिक्वेस्टिंग टू गेट द अबाउट पेज. ठीक है सो ये बस. तो आई से ऐप डॉट गेट द फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट? राउट. ओके सो क्या लिखूं यहाँ पे? मेरा फर्स्ट पैरामीटर मुझे डालना है स्लैश डॉग. ठीक है सो आई से स्लैश डॉग एंड द सेकंड पैरामीटर इज द कॉल बैक फंक्शन. तो आई एम नॉट गोना यूज द एरो फंक्शन क्योंकि लोगों को थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी. आई एम गोना यूज द फंक्शन पैरामीटर्स एंड अभी पैरामीटर्स के अंदर कुछ मत डालना
use curly brackets and then this. यहाँ तक follow कर लिया, यहाँ तक बन गया सबका. सर एक प्रॉब्लम है कि फॉलो तो सब ये हो गया, कोड लिख लिया, लेकिन जैसे कलर्स आप कह रहे हैं ना ब्रैकेट के रेड्स वगैरह उसके लाइट ग्रीन आ रहा है, ये कलर्स मेरे पास नहीं आ रहे. या ये थीम है, यू कैन गो फ्रॉम सेटिंग्स और कलर थीम पे जाओ. पैकेज का तो नहीं है ना कोई चक्कर, बस नहीं नहीं थीम्स है बस बस सही. ये थोड़ा सब्लाइम टेक्स्ट का थीम है ना, ये मैंने इंपोर्ट करवाया बस पे. ठीक है ठीक. अच्छा तो बाकी सबसे फॉलो हो गया यहाँ तक. पहले तो इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर मैं इसको फुल नेम भी लिखूं लाइक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, आई थिंक इट्स बेटर कि अभी मैं फुल नेम ही लिखूं इसकी ताकि कोई कंफ्यूज ना हो. तो कोई भी नाम हो सकते हैं. तो ये दो पैरामीटर्स क्या करते हैं, व्हेनेवर यू योर इनसाइड दिस एनी रिक्वेस्ट, कोई भी गेट रिक्वेस्ट के अंदर हो, पोस्ट किसी के अंदर हो, तो यू हैव टू प्ले अराउंड विद दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. इन्हीं के साथ सब कुछ होगा. तो रिक्वेस्ट क्या करता है, एनीथिंग दैट इज कमिंग एज अ रिक्वेस्ट. ठीक है, तो इट्स लाइक यू सर्चिंग फॉर द अबाउट पेज. सो अबाउट पेज के जो अबाउट पेज इज एक्चुअली अ रिक्वेस्ट. और रिस्पॉन्स क्या होगा, अबाउट पेज को रेंडर करना. ठीक है, अभी इसका काम अभी इसे करेंगे ना तो समझ आ जाएगा. अबाउट पेज फाइल जी. हाँ, तो कोई पेज को स्क्रीन पे शो करवाना इज अ रिस्पॉन्स, या कोई एरर देना इज अ रिस्पॉन्स, कुछ भी करना इज अ रिस्पॉन्स. अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमारे हमें पेज पे सिर्फ ये प्रिंट करवाना है वो. तो उसका जो कोड है सिंपली एक लाइन है, इट्स लाइक रिस्पॉन्स डॉट सेंड ब्रैकेट. और क्या सेंड करना है, जस्ट साइड. ठीक है, सबसे हो गया ये. यस यस हो गया, सही. अब एक और काम है हमें, बिफोर आई सी इफ वर्किंग. यस हो गया. हाँ अच्छा, अब किस तरह मैं इसको रन किस तरह करूंगा, देयर इज नाउ दिस पार्ट 4. ठीक है, हमें ये करना है. तो ये पहले आ रहा है. अब इसको हमें एक सर्वर पे, सर्वर तो हमारा बन गया. ठीक है, सर्वर हमारा चल रहा है, नोड जैसे हमें बनाया हुआ है. किस पोर्ट से उसको लेकर जाना है, देट इज एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू. तो अभी सिर्फ क्या काम करो, डिसाइड एक वेरिएबल बनाओ पोर्ट एंड टाइप 8000 और इज बेटर 3000 कर दो. ठीक है, सो दिस इज अ पोर्ट, 3000 इज अ पोर्ट, पोर्ट नंबर. मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, देयर आर सर्टेन रिजर्व्ड पोर्ट्स. सबको पता ही होगा, अगर कोई सीएस बैकग्राउंड का कोई नहीं है तो वो देख ले. रिजर्व पोर्ट्स आर दीज, सबको नजर आ रही है. ओके, तो मेक श्योर तुम अगर अपने ऐप रन करो ना किसी इन पोर्ट्स में ना कर देना अभी. सो लाइक 20 इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 25 इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे रिजर्व पोर्ट्स है, डोंट यूज देम. 80 जो होता है HTTP का होता है, लेकिन राइट नाउ हम लोग HTTP की रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे क्योंकि इट्स नॉट डिप्लॉयड. डिप्लॉय करेंगे फिर वो HTTP का हो जाएगा. सो अभी इसको 3000 पे रन करो, 3000 का पोर्ट रखो इसको. एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद द सर्वर थ्रू दैट पोर्ट, इसका कोड है app.listen एंड इट टेक्स लाइक 2 to 3 पैरामीटर्स. हम लोग दो पैरामीटर्स देंगे इसको. द फर्स्ट इज द पोर्ट, ठीक है, ये मैंने कर दिया. एंड द सेकेंड इज अ कॉल बैक फंक्शन विच विल रन इफ दिस पोर्ट इज रनिंग. ठीक है, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद क्या फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन में क्या चीज एग्जीक्यूट करवानी है. तो मैं सिंपली इसमें लिख रहा हूँ console.log सर्वर इज रनिंग, इज रनिंग. सही है, यहां तक हो गया. यस, कोई ऐसा तो नहीं है जो पीछे रह गया. मैं कर रहा हूँ अभी. ओके हो गया.
हो गया पोर्ट का क्या मतलब है? आमना आर यू स्टिल इंटरेस्टेड टू हेयर माय आंसर? हो गया पता चल गया। अच्छा पता करना है तो पोर्ट का क्या मतलब है? सर्वर्स में डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, किस पोर्ट में क्या डाटा जा रहा है क्या नहीं जा रहा। कुछ पोर्ट्स होती हैं जो रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। सो उन पोर्ट्स में एक ही तरीके का डाटा जा सकता है, उनमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर पोर्ट्स के, तो वो पोर्ट्स रिजर्व्ड होती हैं। अब इट्स लाइक सॉकेट्स, ठीक है। आपके आपका एक एक्सटेंशन वायर है आपके पास, उनमें डिफरेंट सॉकेट्स हैं, तो उसको पोर्ट को वो समझ लो। तो लाइक 3000 वगैरह के जो पोर्ट्स हैं उनमें कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है, उनमें कुछ रूल्स नहीं है ऐसे, मतलब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह। रिजर्व वगैरह में स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली बस यही है कि कौन से सॉकेट से आपका डाटा लेकर जाना है, तो वो मेंशन हमें करना है। दोज आर पोर्ट्स। आई होप दैट आंसर्स। वीएस कोड की स्क्रीन दिखाएंगे। श्योर। आगे बढ़े। यस यस। ओके सो नाउ हाउ टू रन दिस फाइल, ये हमने लास्ट क्लास में वर्षा ने करवाया था। इस फाइल को मुझे रन कैसे करूंगा app.js को बताओ। नोड app.js या तो इनसाइड योर टर्मिनल जस्ट टाइप इन नोड स्पेस app.js एंड एज सून एज आई एंटर इट console.log सर्वर इज रनिंग लिखा हुआ जाएगा, मतलब सर्वर इज रनिंग लिखा हुआ जाएगा। आई एंटर इट एस एस सर्वर इज रनिंग। ये सब का आया? Window Defender has blocked. Yes, sir. आगे. Window Defender has blocked it. सर मेरा तो आगे। बाकी किसी का कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? अगर Window Defender का कुछ है यार तो you have to मतलब सेटिंग में कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, तो किसी का मसला। वो मेरा भी आया था लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया था, तो फिर मेरा रन हो गया। रिपीट कर दो कि क्या करना था। ये console.log लिख के। अच्छा सो यू हैव ये लिख लिया था app.listen, ये कोड लिख दिया। ठीक है तो हमने लास्ट सेशन में जैसे वरिषा ने जो js की जो फाइल्स थी वो रन करवाई थी टर्मिनल से, वो किस तरह करवाई थी? नोड और ब्रेक और स्पेस फाइल नेम, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली यही करूँ नोड app.js करूँ, सो इट्स गोना रन दिस होल फाइल and the first thing is gonna run is app.listen ki kis port pe listen karna hai, and once the server is running is gonna execute this code function is called the function ke jo andar hai. To mera server connect ho gaya us port ke through. ये जो app.get hai ye isko kyu nahi run kar raha hamara jo abhi code hai abhi kar raha hai node space app.js abhi ruko अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर हम यहाँ पे app.listen में खाली पोर्ट लिख देते तो फिर भी वहाँ पे मतलब सर्वर पे तो चलता ना? ये तो सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए। हाँ चलेगा चलेगा सही। ओके ठीक है सो नाउ गो टू योर ब्राउजर्स। ठीक है अब शायद तुम लोग मेरी स्क्रीन ना देख पाओ उसकी वजह से, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वो करना। ब्राउजर पे एक एम्प्टी यूआरएल रखना पहले, एंड जस्ट टाइप इन लोकल होस्ट। ये सारा जो सर्वर है ना ये तुम्हारे लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो टाइप इन लोकल होस्ट विदाउट एनी स्पेसेस एंड कॉलन विदाउट एनी स्पेसेस एंड देन योर पोर्ट नंबर विदाउट एनी स्पेसेस। तो मेरा था लोकल होस्ट कॉलन 3000 एंड उसके बाद यू हैव टू, अगर सिर्फ यहाँ पे एंटर दबा दोगे ना तो आएगा कैन नॉट गेट। सही है ये आ रहा है सबका? यस सर। कैनॉट गेट स्लैश आ रहा है सबका? यस सर। वो इस वजह से क्योंकि हमारा स्लैश का जो राउट है ना वो डिफाइंड ही नहीं है। हमारा कौन सा राउट डिफाइंड है? फेच डॉग वाला। फेच डॉग वाला। तो बस अपने यूआरएल जो तुम्हारा लोकल 3000 है उसके एंड में स्लैश डॉग लिख दो और स्क्रीन पे आ जाएगा वो। आ रहा है सबका? उफ आ रहा है। सही। कोई ऐसा जो पीछे रह गया? मेरा आ रहा है respond.send is not a function। पहले ये देखो कि तुम्हारे जो app.get में जो तुमने function के अंदर जो parameters डाले हुए ना वो क्या है, उसके उनकी spelling देखो वो कैसी क्या गलत करा है।
सही है। अच्छा अब कोई ऐसा तो नहीं जो पीछे रह गया? सही है। अब हमारे पास फर्स्ट राउंड आ गया। नाउ लेट्स क्रिएट अदर राउंड्स एज वेल। हमें कैट का बनाना है, ये इसका बना लो, कोई भी अपनी मर्जी से बना लो। ये भी छोड़ देना जो रेंडर है, एचटीएमएल फाइल है ना, ये छोड़ देना और ये भी छोड़ देना। तो खुद से करो और मुझे बताओ कि कोई मसला तो नहीं है, और मैं भी यहाँ पे करता हूँ फटाफट। ये बन गया सबसे, अभी इसको रन मत करना, मैं बताता हूँ क्या, जब राउंड बन जाए तो बता देना। मैं पहला वाला डॉग वाला वो नहीं बनाया अभी, वो उस वक्त में मैंने गलत लिखा था लेकिन उसके बाद सही लिख दिया, अभी बना नहीं है। तो बना लो। नहीं मतलब बना हुआ तो है, वो चल नहीं रहा, उसके आ नहीं रहा। कैट के अलावा और कौन सा बनाना है सर? कोई भी अपनी मर्जी से बना लो, बस मल्टीपल हो या कोड देख लो सही से, देखो कोई मसला तो नहीं है, जिसका कोई मसला आ रहा है वो देख ले। अच्छा हाँ, मतलब तुम्हारा एक एक इशू आ सकता है। किसका किसका सवाल था ये? अभी सैफुल्ला का था ना? हाँ अभी रुक जाओ, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। सबके सबके मल्टीपल राउंड बन गए, पोर्ट सेम ही रहेगी ऑब्वियसली, तुम्हारे एक वेबसाइट की पोर्ट जो है ना वो सेम ही होती है। सो ये एप डॉट लिसन जो है ना, ये एक ही बार आएगा एट द वेरी एंड, ठीक है। अगर सबसे ये हो गया, द थिंग इज ये जो राउट है ना अभी चलेंगे नहीं, अगर तुमने कोई भी चेंजेस किए ना इस ऐप पे चलेंगे नहीं। इफ योर सर्वर इज रनिंग एंड यू मेकिंग अ चेंज हेयर, तो वो जो चेंजेस है ना वो तुम्हें तुम्हारे सर्वर को पता नहीं चलेगी, अनलेस यू स्टॉप योर सर्वर। तो कंट्रोल सी दबा के सर्वर को स्टॉप करो, ठीक है, टर्मिनल पे, एंड रीस्टार्ट योर सर्वर। तो नोड एड.js फिर से करो, सो दिस इज रीस्टार्टिंग योर सर्वर। एंड नाउ इफ यू चेक इट, तो अगर कोई एरर था वो भी सही हो जाएगा, डॉक वाला भी चल जाएगा, एंड तुम्हारे जो नए राउट है वो भी चल जाएंगे। थैंक यू ओमर। सही है, सबके नए राउट्स भी आ गए सबके? जी आ गए। ओके सो अगर मैं यहाँ पे कैट करूँ तो इट्स लाइक मी आओ एंड अदर्स एज़ वेल। ओके सो नेक्स्ट क्या हमारा, अब हमें करना ये है कि बिफोर वी डू दिस स्टार वन वी हैव टू रेंडर आर एचटीएमएल फाइल, ठीक है। तो उसका पहले राउट क्या है हमें देखते हैं, इट इज स्लैश एक्सप्रेस। इसको मैं चेंज करके काम करता हूँ, फाइल कर देता हूँ, ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली राइट नेम लेकिन कर देता हूँ। मुझे देखना, एप डॉट गेट करूँगा, स्लैश फाइल करूँ, इससे तो स्लैश फाइल में इसको स्लैश ही रह देता हूँ ताकि हमारे पास एक डिफॉल्ट डॉट तो हो हमारे पास, सही है। अब मुझे जो HTML की फाइल है उसको एंटर करना है, तो फंक्शन ये सेम रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड ये सेम रहेगा। नाउ प्रेस डॉट रेंडर, दिस नहीं सेंड फाइल, अभी रेंडर नहीं क्योंकि दिस इज नॉट अ व्यू इंजन, ये HTML है। सेंड फाइल अभी भी ये नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ क्यों। सो इफ आई जस्ट टाइप हेयर इंडेक्स डॉट HTML, अभी मुझे फॉलो कर लो लेकिन दिस इज गोइंग टू गिव एन एरर, आई नो। सो इफ आई रिस्टार्ट माई सर्वर एंड इफ आई गो टू माई स्लैश, it says path must be absolute or specify root to register send file. So this means के जो मैंने index और html को जो किया हुआ है ना, ये इसका absolute path नहीं है,
इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, मतलब डॉट स्लैश? नहीं वो भी एब्सोल्यूट ही है. एब्सोल्यूट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द योर लोकल डिस्क सी टू योर फाइल, ठीक है, दैट इज एक्चुअली योर एब्सोल्यूट पाथ. सही है. सो उसको किस तरह करना है? नाउ आई हैव दिस, कोई सवाल है? नहीं. सो इसको करना किस तरह है, इफ आई गो हियर, सो यहाँ पे इसने किया हुआ है, इन ऑर्डर टू रन दिस इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल इसने किया हुआ है रेस्ट डॉट सेंड फाइल पाथ डॉट जॉइन फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी आई आर नेम प्लस के. तो मैं भी बताता हूँ क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले इसने पाथ को रिक्वायर किया हुआ है. नाउ बिफोर पता नहीं बहुत टाइम पहले जब मैं ये एचटीएमएल को जब मैं रेंडर करवाता था तो पाथ जो होता था वो नोड जेएस का बिल्ट इन होता था, हमें रिक्वायर करने की जरूरत नहीं थी. लेकिन नाउ इफ यू गो टू योर नोड जेएस की ऑफिशियल पेज पे भी जाओ तो वो बोलता है कि पाथ को यूज करने के लिए यू हैव टू, कहाँ है, किधर है, एक सेकेंड. इट सेज यू हैव टू रिक्वायर पाथ. सो पाथ इज ऑल्सो अ पैकेज एक्सप्रेस की तरह, एनपीएम में भी है. सो लेट्स जस्ट डू दैट. एक्सप्रेस से ऊपर मैं कर लेता हूँ. तो कॉन्स्टेंट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ. सब लोग यहां तक आ गए तो मुझे बता देना ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं. सही कर दिया, ठीक है. ओके नाउ आई हैव टू मेक द चेंजेस हियर. तो सेंड फाइल के अंदर पाथ डॉट जॉइन ब्रैकेट और सही नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन सही कर लेना और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल. लेकिन बट बिफोर दैट इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल से पहले एक स्लैश लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीआईआर नेम कॉमा इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल. ये एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे इस यहाँ से उठाया था इधर से एग्जैक्टली वही है. सो यू यूज प्लस कुछ भी कर लो, कॉमा लगा दो, कॉमा से भी हो जाएगा. So, comma is better, I think. ऐसा कर लो, ये फॉलो करो फिर मैं आगे चलता हूँ. हो गया सबके यहाँ, सबका यहाँ से यहाँ तक? ओके हाँ हो गया या नहीं हुआ? हो गया, हो गया, सबसे हो गया. नेम में अपनी डायरेक्टरी का नेम लिखना है ना? क्या डीआईआर नेम में अपनी डायरेक्टरी का नेम लिखना है ना? नहीं नहीं नहीं, डीआईआर नेम में ऑलरेडी तुम्हारी डायरेक्टरी का नाम होगा. डीआईआर नेम इज नॉट अ वेरिएबल. ठीक है, बिफोर वी रन दिस कुछ कंसोल में करता हूँ, तुम लोग कर लो अगर करना है तो, लेकिन इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोड, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ. फर्स्ट थिंग इज फाइल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, ये कंसोल करता हूँ. एंड दिस इज कंसोल डॉट लॉग डीआईआर नेम. ओके एंड द थर्ड इज कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट डीआईआर नेम एंड ब्रैकेट के अंदर डीआईआर नेम. तो यहाँ तक मैंने किया, मुझे कंसोल का मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि हर जो चीज है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है. ओके कैन आई मूव ऑन? यस सर. ओके सो आई हैव टू रीस्टार्ट माय सर्वर, कंट्रोल सी, रीस्टार्ट माय ऐप एंड सर्वर इज रनिंग. नाउ इफ आई प्रेस स्लैश हियर in my URL and मेरी फाइल रेंडर हो गई. ठीक है, तो सबकी फाइल रेंडर हो गई. यस सर, हो गई. यस हो गई, हो गई. अब गो टू योर वीएस कोड और कंसोल डॉट लॉग पे देखो क्या क्या आ रहा है. अच्छा ये साथ साथ देखना, द फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग वाज
underscore file name, which means जो तुम्हारी जो फाइल जो एग्रेट जेएस है उसको उसका नाम क्या है, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरी डायरेक्टरी भी जो पूरी डायरेक्टरी ना उस फाइल की वो भी प्रिंट करवा देगा. सो इट्स सेइंग लोकल सी यूजर्स एक्सेट्रा डेस्कटॉप वेब डेव वीएससी और फिर एप जेएस पेज ने खत्म किया. सो दिस इज व्हाट फाइल नेम कंसिस्ट ऑफ. डायरेक्टरी नेम क्या करता है, डायरेक्टरी नेम वो उस फाइल की जो डायरेक्टरी है ना उसको प्रिंट करता है. तो उस फाइल की डायरेक्टरी यहां तक खत्म है, फर्स्ट एक्सप्रेस ऐप की ऐप तक खत्म है, ठीक है. द रेस्ट ऑफ इट इज द नेम ऑफ द फाइल, ये डायरेक्टरी है इसकी, ठीक है. सो दिस अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम ये काम कर रहा है. सो इफ वी ज्वाइन दिस डायरेक्टरी नेम को और इंडेक्स और एचटीएमएल को ज्वाइन कर लें तो क्या करेगा, ये डायरेक्टरी लेगा और उसके बाद स्लैश इंडेक्स और एचटीएमएल ये कर देगा. सो उससे हमारे एब्सोल्यूट पाथ हमें मिल जाएगा, सही है. ज्वाइन का काम ये है. What is this doing? Path dot directory name of directory name. तो ये कर ही रहा है. It is giving me the directory of the directory. ठीक है, तो ये क्या है, इसको कंसोल मैंने किया. So this is printing this. अब इसकी directory क्या है, इस जो directory में मैं हूं उसकी directory क्या है, this is it. यहां तक खत्म है. उसके बाद that is actually the folder itself. ठीक है, directory यहां तक है. समझ आ गया सबको. ये कंसोल लॉग से डॉट लॉग से हो कहां रहा है प्रिंट यार, ये टर्मिनल पे होगा, जो भी बैक पे जॉग होगा ना वो टर्मिनल पे प्रिंट होगा, नॉट ऑन द क्रोम, क्रोम की कंसोल पे नहीं होगा. ये यहां पे हो कहां पे रहा दिखाएगा, टर्मिनल पे मेरा जहां पे मेरा टर्मिनल खत्म हुआ सर्विस रनिंग के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पे. अच्छा मेरे पास नहीं आया, मैंने भी कंसोल डॉट लॉग करा हुआ था. एक सेकंड, पहले उस पे पेज पे गए ना हम स्लैश के, जी अच्छा एक सेकंड दोबारा. किसी का कोई सवाल यहाँ पे डायरेक्टरी नेम वगैरह से? ये मेरा भी नहीं आ रहा कंसोल डॉट लॉग वाला. अच्छा एक तो पहले सबसे पहले काम करो, अपना सर्वर रिस्टार्ट करो, ठीक है, सबसे पहले. एंड देन गो टू योर स्लैश, इस रूट पे जाओ, क्रोम से अपने रूट पे जाओ, फिर ये जो कोड है ना फिर ये एग्जीक्यूट होगा. वंस यू गो इनसाइड दिस रूट फिर ये आएगा, ऑब्वियसली आएगा. सही आ गया सर. आ गया कोई, किसी को सवाल यहां तक कि डायरेक्टरी नेम वगैरह किसी को समझ नहीं आई बता दे. ओके तो लेट्स मूव ऑन. अब ये मसला यहां पे अगर जब व्हेन यू यूजिंग एचटीएमएल ना डॉट एचटीएमएल फिर यू हैव टू यूज दिस सेंड फाइल पार्ट और जॉइन पे ये करना पड़ता है. बट इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस हम लोग काम करेंगे EJS के फॉर्मेट पे, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट पे. उस पर हम लोगों को पाथ वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दैट विल मेक आर कोड मच शॉर्टर मच इजियर टू रीड. लेकिन अभी सिर्फ डॉट एचटीएमएल पे काम करना है तो इस तरह करते हैं. तो फाइल भी रेंडर हो गई हमारी. अब ये स्टार क्या करता है, किसी को आइडिया है कि ये स्टार का क्या काम हो सकता है? सारी फाइल उस डायरेक्टरी में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता. नहीं कोई और गेस? अच्छा तो इसका काम यह है, अगर मैं इस पे जाऊं ना अपने इसकी वेबसाइट पे जाऊं तो एक अगर फर्ज करो कोई ऐसा यूजर आया है जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा है एंड ही इज गोइंग थ्रू, मतलब यहां से फ्रंट एंड से नेविगेट करने के बजाय यूआरएल से नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. सो इफ आई गो टू माय होम पेज यहां से जाऊं और फिर मैं एक ऐसा राउट एक्सेस करने की कोशिश करूं जो है ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां से जाने की कोशिश करता हूं एंड जिबरिश लिखता हूं बिल्कुल यहां से यूं. फॉर प्रेस एंटर तो उस राउट पे क्या फाइल, क्या कौन सी फाइल रेंडर करनी है, ये स्टार का काम है. तो स्टार क्या करता है, इट एक्सक्लूड्स ऑल द राउट्स दैट यू हैव स्पेसिफाइड और उसके उन राउट्स के अलावा जो भी राउट होगा ना, जो राउट हमने स्पेसिफाई कर लिए उनके अलावा जो भी राउट होगा उस पे कोई एक काम करेगा वो, ठीक है. सो यहाँ पे जो मैंने काम करवाया ना वो ये कि जो मैं राउट स्पेसिफाइड करवाए थे उस पे तो वो पेजेस को रेंडर करता था, लेकिन एवरी राउट एक्सक्लूडिंग दोस राउट्स विल रेंडर दिस पेज, ये एरर वाला पेज, ठीक है. तो ये एरर वाला पेज ये मैंने खुद बनाया, ये क्रोम ये ब्राउजर का नहीं है,
दिस इज डूइंग, ये एनिमेशन मैंने खुद बनाई है, ये मैंने खुद प्रिंट करवाया है, दिस इज व्हाट इज डूइंग. तो क्या मैं, अगर मैं ये काम बगैर स्टार के करूँ तो क्या मुझे हर पॉसिबिलिटी को मेंशन करना पड़ेगा कि अगर कोई ये लिखे तो एग्जैक्टली ये हो, अगर कोई इसके बाद 1 2 3 यहाँ पे 4 4 4 लिखे तो उस पर ये हो? ये तो इम्पॉसिबल है. तो उसके लिए वी यूज स्टार. समझ आ गया सबको? स्लैश स्टार करा आपने, दिखाइए कहाँ पे कोड में करा है. अभी मैं स्टार नहीं किया, कर रहा हूँ. करना कैसे? हाँ मैं बता रहा हूँ. समझ आ गया सबको स्टार का मकसद? समझ आ गया जी जी. इसमें और 404 में क्या फर्क है? 404 का एरर, हाँ वो भी तो यही होता है ना कि अगर कोई चीज नहीं मिली आपको. नहीं, 404 इज एक्चुअली द फाइल नॉट फाउंड. ठीक है, 500 इज एक्चुअली मतलब कोई भी एरर. ठीक है, सर्वर में कोई भी एरर आया ना, इज 500 का स्टेटस है. तो मतलब तुम्हारे ये सवाल वैसे काफी बात है, लेकिन मैं समझा देता हूँ. तुम्हारे सर्वर पे बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं. ठीक है, उन सारे एरर्स को तुम बारी बारी करके जो एड्रेस नहीं कर सकते. 404 आया तो चलो ये तो कॉमन है, लेकिन व्हाट अबाउट ऑल द रेस्ट ऑफ द एरर्स? तो 500 इज जस्ट बता रहे हैं यहाँ एरर आया. कौन सा एरर आया ये नहीं पता. तो ये डिस्क्रिप्शन है, अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड इंटरनल सर्वर एरर. कौन सा एरर आया ये नहीं पता. सही, ठीक है. 404 is actually specifying कि हाँ file not found. Yeah, right. So this is the status. फिर सवाल मेरा वही था कि star का क्या मकसद है. समझ आ गया सबको? Yes, आ गया. अच्छा, so in order to write the code, याद रखना पहले सारे तुम्हारे routes आएंगे जो तुमने specify किए, और बिल्कुल end में once you're done with your final route, end में उसके बाद app.get star करना. अगर ये end में नहीं करोगे ना और बिल्कुल शुरू में कर दोगे तो वो क्या करेगा, इन राउट को देखेगा नहीं. यहाँ पे ये वाले राउट्स भी स्टार में ये वाले राउट्स भी कवर हो जाएंगे फिर. सही, क्योंकि ऊपर से चलता है लाइन बाय लाइन को चलता है. तो एज सून एज इट हिट्स द स्टार, तो वो जो हमारे बिल्ट इन राउट्स है ना उसको भी स्टार में लेगा एंड विल रन द स्टार कोड. तो सिंपली मैंने यहाँ पे कोटेशन पे स्टार लिखा है. फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड एंड देन मैं क्या करूँ यहाँ पे रेस डॉट सेंड कर देता हूँ. बस सेंड हैक अन सक्सेसफुल. सही, वी स्टार्ट योर सर्वर पेज एंड यहाँ पे इफ आई राइट जिब्रिश which is not a valid route, but this enter the bow hack unsuccessful. सही हो गए. सही है जी. कोई ऐसा जिसको अभी तक कोई मसला कोई पीछे रह गया? I don't know, लोग आके नहीं रहे, बाद में बोलते नहीं समझ आया. बाकी समझ में आ गई. बस ये एक चीज बता दें कि फंक्शन का जो आप फंक्शन बना रहे हैं उसमें रिक्वेस्ट का वो क्या काम कर रहा है. रिस्पांस का तो समझ में आ गया, वो रिस्पांस कर रहा है, रिक्वेस्ट का क्या कर रहा है? चलो मैं बता देता हूँ. अस्मा तुम्हारा कोई सवाल था? नहीं मैं कह रही थी हो गया. हो गया. अच्छा, रिक्वेस्ट का काम ये है, रिस्पॉन्स इज जस्ट जो एक्सप्रेस आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है. रिक्वेस्ट जो फ्रंट एंड से जो डेटा जाएगा ना उस रिक्वेस्ट उस राउट पे, ये अभी हम बाद में करेंगे. जैसे फर्स्ट करो मैं एग्जांपल देता हूँ. एक फॉर्म है, फॉर्म तुमने फिल किया, फॉर्म को छोड़ो, इस पे आओ वापस इसी वेबसाइट पे आ जाओ. तो अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊं तो यहाँ पे एक सर्च बार होगा इधर, एंड इज सर्चिंग फॉर एनी मेडिसिन एट ऑल. ओके, सो इफ आई से पैराडॉल आई से एम्प्रेस सर्च, तो ये भी एक राउट बन के आ गया मेरे पास. ठीक है, पैराडॉल पे रिक्वेस्ट इज एक्चुअली कि एग्जैक्टली क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम. सो यहाँ पे पैराडॉल को एक्सेस करने के लिए, इस पैराडॉल को, इस वर्ड को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू यूज रिक्वेस्ट. तो अभी उस पर आ रहा था मैं, रिक्वेस्ट का अभी एक और काम होगा. सो अच्छा ये हो गया, ये हो गया. अच्छा अभी एक और चीज गो, अब मैं स्टैक ओवरफ्लो की एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे. अब मैं नीचे गया ब्राउज क्वेश्चन पे. नाउ स्टैक ओवरफ्लो इज अ डायनामिक वेबसाइट, बहुत पॉपुलर है, हर दिन इसमें हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं. तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे गया, दिस टॉप क्वेश्चन पे गया, इसका यू आर एल देखो,
सो इट्स लाइक क्वेश्चंस स्लैश दिस सम आईडी और पे क्वेश्चन का नाम. तो क्या तुम लोगों को क्या लग रहा है कि किसी ने ये हार्ड कोड किया हुआ होगा ये यूआरएल, जिस तरह अभी हम लोग कर रहे हैं कैट डॉग, किसी ने हार्ड कोड किया होगा? हाँ, तो डायनेमिकली यूआरएल बन रहे हैं. तो जैसे ही ये किसी ने क्वेश्चन डाला होगा तो इसका डायनेमिकली इसको एक आईडी मिल गई इस क्वेश्चन को, और डायनेमिकली ये यूआरएल बन के आ गया. ये भी एक्सप्रेस का काम है. तो ये किस तरह करें हम लोग? तो एक राउट बनाते हैं. एक काम करते हैं, कैट और डॉग हमने किया ना, उसी को थोड़ा चेंज करके एक एनिमल बनाते हैं. और हम करते हैं कि अगर उसके स्लैश के बाद एनिमल स्लैश डॉग आया तो वुल्फ करे, और एनिमल स्लैश कैट आया तो म्याओ करे. सही है? तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, पहले मुझे देखो उसके बाद करना. तो उसका सिंटेक्स ये है, डॉट गेट, देन यू हैव दिस राउट कॉल एनिमल, और उसके बाद यू हैव टू टेक इन डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है. तो दीज आर एक्चुअली क्या है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल नहीं है. तो वेरिएबल को बनाने के लिए जो सिंटेक्स है विच इज दैट इज कॉलन एंड एनी वेरिएबल नेम. ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ एनिमल नेम. ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये नाम दे दिया मैंने इसे. देन फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो फिर से देख लो ये URL है एनिमल, ये आएगा, ये तो हार्ड कोडेड है, ये तो आना जरूरी है. उसके बाद स्लैश, उसके बाद दे कैन बी एनी वेरिएबल्स, सो इट विल बी एनिमल नेम कॉलन के साथ. एनिमल नेम इज अ वेरिएबल नेम. अब उसको एक्सेस किस तरह करेंगे हम? सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड नेम, और अब मुझे इसको एक्सेस करना है. तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट का काम आएगा. तो ये देख लो, रिक्वेस्ट डॉट, और वी हैव so many things here, but we're gonna use params. So params is short for parameter, and this is animal name. लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, like अगर मैं animal name के बाद यहाँ पे एक और कुछ डाल देता, anything at all, कुछ भी, कोई भी और variable name हो सकता है ना, क्यों हो सकता. तो अब मुझे exactly इसको access करना है, तो I'll say require the params dot animal नहीं. सही है, इसका एक और तरीका भी है, मैं बता देता हूँ और एंड में बता दूंगा जो नया तरीका है ES 2015 का. ओके, नाउ आई हैव नेम, पहले इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, देखिए हमारे पास आ क्या रहा है. तो डॉट लॉग नेम, और ताकि कोई एरर ना आए तो एज अ सेंड भी कर दो एनिमल क्राउड, ये कर दो. ओके, सो इफ आई रीस्टार्ट माय ऐप, अगर कोई फॉलो नहीं कर पाया तो कोई मसला नहीं, मैं लूंगा थोड़ी देर के लिए, बल्कि मैं शो कर दूं. तो इफ आई से एनिमल, अभी सिर्फ यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो बोलेगा कि एक सेकंड, हाँ यहाँ पे इसने स्टार पे चला गया है कंस्ट्रक्टर, इसको लगा कि ये तो कोई राउट है ही नहीं. बट इफ आई स्लैश है अगेन, और मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, इट सेज एनिमल राउट. और अगर मैं कंसोल पे आगे लिखूँ अभी देखूं तो यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है एच सी एस सी, जो यहाँ से मिला है मुझे, रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स और एनिमल नेम से. सही है, समझ आ गया सबको? ये कर कह रहा है रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट पेरेंट्स वाला, रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स कर दिया है कि फर्स्ट करो, तुम्हारे यूआरएल में एक वेरिएबल है, ठीक है, एक फिक्स यूआरएल नहीं है. तो यहाँ पे दिस इज अ वेरिएबल, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, अगर मैं कॉलन डाल के करूँ यहाँ पे कुछ भी आ सकता है. तो इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस पार्ट ऑफ द यू आर एल, मैं करता हूँ रिक्वेस्ट ऑफ पैरेंट्स डॉट एनिमल नेम. ठीक है, सही, ठीक है. सो दिस यू आर एल जो होगी ना मेरी, यू आर एल इज अ रिक्वेस्ट, पैरेंट्स इज अ पैरामीटर ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड एनिमल नेम इज विच पैरामीटर टू एक्सेस. किसी को कोई कंफ्यूजन? तो एच सी एच सी कहाँ से आ रहा है? SCSC यहाँ से आ रहा है कि when I request for animal slash SCSC जो gibberish है, ठीक है, तो फिर इसने यहाँ से मैच किया, एनिमल नेम के अंदर SCSC डाल दिया, नेम में डाल दिया, और नेम क्या यहाँ पे SCSC आ गया. ओके, सो अब मुझे करना ये कि अगर एनिमल नेम में कैट है तो म्याओ करे, और डॉग है तो वुफ करे. तो मैं इफ देन एस कर देता हूँ, इफ नेम ट्रिपल इक्वल्स टू कैट रेस्ट डॉट सेंड
else if name is dog और एक और बना देते कि अगर इन दोनों के अलावा भी कुछ हुआ तो एल्स रिजॉर्ट नेम रिजॉर्ट सेंड हो जाए. ठीक है, देखते हैं इसको चला के देखते हैं. कॉपी थोड़ी देर में कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो. रिस्टार्टिंग माय सर्वर. तो इफ आई ऐसी ऐसी को चेंज करके इफ आई से कैट दिस इज म्याऊ. Dog, it's both. It's a parrot. It says animal dog. ठीक है, यहाँ से समझ आ गया? ठीक है. कॉपी कर लो अगर किसी ने कॉपी नहीं किया. इसके बाद आई थिंक यही है. आई हैव टू इसको थोड़ा मैं अपडेट करूंगा इस कोड को. अगर किसी को देखना है तो वो रुक जाए. थोड़ा अच्छा लगेगा कोड. तो यार अभी फिर कोड आखिरी वाला कॉपी करके भेज दें, अभी अपडेट करके भेज दें ये वाला पूरा. जी जी यू हैव टू गो समवेयर. नहीं नहीं कहीं सही आप कराएं. ठीक है तो कॉपी कर लो. सबने सबको कॉपी हो गया? ये नहीं कॉपी नहीं हुई. एक सेकंड ये कॉपी कर लो. साथ साथ जो मैं चेंजेस करूंगा तो वो भी कर लेना. जो स्टैक ओवरफ्लो की एग्जांपल दी थी उसमें जो ऊपर आईडी आ रही थी वो उन्होंने वो भी खुद से जनरेट हो रही थी लाइक के उस पे इस तरह वो हुआ होगा कि मतलब जैसे एनिमल नेम है लिखा हुआ है ना यहाँ पे आईडी आ जाएगी तो वो इस तरह होगा कि वो बाद में आएगा वैसे तो लेकिन आईडी वो रिप्रेजेंट हो रही होगी डेटाबेस से कि डेटाबेस में उसकी क्या आईडी है. सही है. एंड वंस द डेटाबेस इज रिट्रीव्ड. ठीक है और हम लोग जब आगे जाके करेंगे तो उस डेटाबेस की आईडी वहां पे यूआरएल में मैच हो रही होगी और उस पे हो रहा होगा. तो दिस इज एक्चुअली द डेटाबेस आईडी. यहां से ये आगे आगे करेंगे हम लोग. तो कॉपी हो गया सबको यहां से? यस हो गया. हो गया. अच्छा सो मुझे सिर्फ दो चीजें पे चेंज करवानी है. एक तो इसका इफ देन एल्स का जो लूप है वो मैं एक शॉर्ट करवाने का कोशिश करूंगा. सो बाकी एक और काम ये है कि यू कैन डू दिस. अगर मैं यहाँ पे बारी बारी करके एनिमल नेम वगैरह नहीं लिखना चाह रहा ना तो जस्ट रिमूव दिस एंड इफ यू राइट तो अर्ली बेसिस में एनिमल नेम करो ना. What it's gonna do is मैं मैच करेगा कि इस रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एनिमल नेम जो भी हुआ उसको इस वेरिएबल में डाल दे. ठीक है तो ये बिल्कुल एक बेसिक सिंटेक्स है. तो अगर इसमें रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स के अंदर मल्टीपल वो पैरामीटर्स होंगे एनिमल नेम हुआ उसके बाद आईडी वगैरह भी हुई तो यू कैन से लाइक फर्ज करो यहाँ पे हुआ यहाँ पे आईडी भी है तो अगर मुझे आईडी भी अचीव करानी है जस्ट सिंपली कॉमा आईडी. ठीक है तो मेरे पास ये वेरिएबल्स बन के आ गए और यहाँ से रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स से मेरे पास रिट्रीव भी हो जाएंगे. सही है, समझ आ रहा है? ये क्यों बनाया हमने ताकि हमें नीचे बार बार नेम ना लिखना पड़े. ताकि हमें रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स डॉट करके जो ना बाकी लंबी नहीं करनी पड़े. ठीक है तो सिर्फ सिंपली रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स लिख दो और फिर खुद ब खुद वो मैच करके ना वेरिएबल नेम में डाल देगा. सो इफ आई हैव एनिमल नेम यहाँ ऊपर इसके ऑब्जेक्ट के अंदर एनिमल नेम है उससे देखा एनिमल नेम है तो एनिमल नेम के अंदर ही यहाँ पे डाल देगा वो. ठीक है जिससे तो नीचे नेम लिखा है उसे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेम एनिमल नेम कर दो उसको. तो हाँ इट वर्क्स.
Now I want to show you the if then else का shorthand है ना वो show करने की कोई interest तो रुक जाए वरना if you have any other questions तो वो पूछ ले I just want to show you the if then else shorthand.